नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र क्रॉप प्रोटेक्शन में। और मैं आपका भाई धर्मेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों के बारे में। दोस्तों, मैंने इससे पहले दो वीडियो और बना के रखी हैं, वो भी देख ली होंगी मेरे चैनल पर, कि कौन कौन से इसमें कीट आते हैं, कौन कौन से रोग आते हैं, उनका निदान कैसे कर सकते हैं और उनमें कौन कौन से फंगीसाइड या कीटनाशक का स्प्रे हमको करना है। तो दोस्तों, इनके बारे में यदि आप संपूर्ण मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कि कद्दू वर्गीय फसलों से मतलब नहीं है। दोस्तों, किसी भी फसल हो आपके पास, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, बैगन, धनिया, अपना फ्लावरिंग स्टेज जो रहती है उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो कद्दू वर्गीय फसलें जो रहती हैं उसमें फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? तो दोस्तों, मैं आपको कुछ PGR और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे बताने जा रहा हूँ, यदि आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी फसल में समस्याएं कहीं ना कहीं तक देखा जाए तो 80-90% दूर हो जाएगी। PI कंपनी का बायोबीटा, इसके अंदर सीवीड सेक्सट्रेट है और इसके साथ में कुछ अदर भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, बोरोन है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे मतलब और भी कंटेंट्स हैं, इसमें ऑक्सीजन है, प्रोटीन हाइड्रोलाइट्स है, अमीनो एसिड है, साइटोकाइनेंस है, बहुत सारे दोस्तों इसमें और भी एक्स्ट्रा कंटेंट्स है, बहुत ही शानदार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। दोस्तों, आप इसका यदि इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, फूल जड़ रहे हो या फल जड़ रहे हो या फूल से फली बनाना चाहते हो या फूल से फल बनाना चाहते हो आप, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, इसका 4 समर प्रति कड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। आप इसको किसी भी फंगीसाइड, किसी भी इंसेक्टीसाइड के साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हो, बिंदास कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, बट कंडीशन ये है कि आपको स्प्रे करने से पहले मौसम का जरूर विशेष ध्यान रखना है, कि मतलब बरसात का मौसम हो तो आपको ऐसे टाइम पर खुले मौसम में आपका इसका इस्तेमाल करना है, और यदि आप बरसात के मौसम स्प्रे करते हो तो आपको सिलिकॉन बेस चिपको का स्प्रेडर का आपको इस्तेमाल करना है 5 ml का साथ में। ये बहुत ही शानदार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। दोस्तों, मार्केट में और भी किसी कंपनी का आपको यदि मिले तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ईशा बियोन सेजेंटा कंपनी का PGR है, बहुत ही शानदार PGR है। दोस्तों, यदि आपको फूल से ऐड करना है या फल से ऐड करना है या फिर फ्लोवर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है या फिर फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है, ऐसी कंडीशन में आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, इससे जो पत्ते की चौड़ाई रहती है वो तो होती है, साथ में जो ब्रांचेस जो रहती हैं, शाखा को भी ये मतलब वृद्धि करती है पौधे के अंदर में, जो इंटर नोड्स रहते हैं उनको भी मतलब बढ़ाती है साथ में पौधे के अंदर में, और बहुत ही शानदार जबरदस्त रिजल्ट दोस्तों इसका देखने को मिलता है। आप इसको किसी भी फंगीसाइड, किसी भी कीटनाशक के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों, इसका भी 300-400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे आपको करना है। बहुत ही शानदार PGR है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नागार्जुन कंपनी का टॉनिक, इसमें सोडियम पैरा नाइट्रोफेनोलेट टेक्निकल है दोस्तों, और ये बहुत ही शानदार टेक्निकल है। दोस्तों, ये जापान से लिया गया टेक्निकल है, और ये आप जो डालना चाहते हो तो आप इसको किसी भी स्टेज पर डाल सकते हो, चाहे फिर वो फ्लावरिंग स्टेज हो, चाहे फ्रूटिंग स्टेज हो, चाहे हार्वेस्टिंग हो रही हो, आप इसको किसी भी कंडीशन में डालोगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, चाहे वो कद्दू वर्गीय फसलें हो, चाहे मिर्च हो, टमाटर हो, शिमला मिर्च हो, बैगन हो, चाहे पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, किसी भी फसल में, किसी भी स्टेज में आप इसका बेझिझक होकर इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, इसका सफिशिएंट डोज है 400-500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसको भी दोस्तों आप किसी भी फंगीसाइड, किसी भी कीटनाशक के साथ में मिलाकर के स्प्रे कर सकते हो। इस कंपनी का डबल, इसमें टेक्निकल आता है होमोब्रोसिनोलाइट्स, बहुत ही पावरफुल टेक्निकल है। दोस्तों, ये जो मैं आपको PGR जितने भी मैंने अभी आपको बताए, मेरे खुद के अनुभव के टेक्निकल हैं। दोस्तों, मैं इनको यूज कर चुका हूँ और मार्केट में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप अपने मार्केट के हिसाब से या अपने जो कृषि सेवा केंद्र के मार्गदर्शन के हिसाब से आप किसी भी PGR का इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, आपको पैदावार दिखना चाहिए पौधे के अंदर। तो दोस्तों, ये डबल है गोदरेज कंपनी का, इसका अभी 20-25 ml प्रति पंप का डोज रहता है, और इसका एकड़ का डोज पकड़ के चलें तो 150-200 ml प्रति एकड़ का इसका डोज रहता है। दोस्तों, बहुत ही शानदार PGR है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसे भी आप किसी भी कीटनाशक, किसी भी फंगीसाइड के साथ में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था संपूर्ण जानकारी आपको कि पौधे की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, पौधे में फूल झड़ने की समस्या कैसे रोक सकते हैं, और फल का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, फलों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, फूलों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी टॉनिक आप इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों, मैं लेता हूँ विदा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो करें लाइक, और जो मेरे चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और इससे संबंधित यदि आप मतलब और भी कीटों और फसलों के बारे में जानना चाहते हो दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा।